फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट में जो भी कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। हमारा आंसर क्या होगा? बी सही है। फिर कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान की अगर बात करें तो वो हो जाएगा बॉन न्यूमैन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तब है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो देखो, ये एक हिस्ट्री बना के पढ़ लो। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो उसके अंत में, मीन्स उसी टाइम में ऐसा ज़रूरत पड़ा था कि उसमें जो लड़ाई हो रहा था तो आपस में सब कोड डिकोड किया करते थे तो उसमें दिक्कत होता था, तो इसीलिए एक मशीन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो 1946 में क्या बना? युद्ध के ख़त्म होने के बाद बन पाया। क्या बना? कंप्यूटर बना। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946। फिर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो अगर भौतिक बनावट की बात हो तो वो होता है हार्डवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग कहलाता है, मीन्स ब्रेन जो होता है, क्या कहलाता है? सीपीयू। फिर है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मीन्स मेन जो होता है उसे क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ध्यान रखिएगा, फादर बोर्ड उसमें नहीं होता है, मदरबोर्ड ही होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ा को, बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? जैसे कि हम लोग कोई डाटा जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं? चिप। देखो, ये सभी डिस्क जैसे हुआ या मैग्नेटिक टेप होता है, तो ये सभी डाटा को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है? बहुत अधिक, मीन्स इनमें से सबसे अधिक क्या करता है? तो चिप करता है, चिप। और सबसे कम की अगर बात करें तो ये चुंबकीय टेप, और उससे भी कम फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले बना था फ्लॉपी डिस्क, इस टाइप का शेप था उसका, फ्लॉपी डिस्क का। तो सबसे कम फ्लॉपी डिस्क और सबसे अधिक चिप। फिर है, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी चिप का विकास किसने किया था? JS Kilby ने किया था। कौन किया था? JS Kilby। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मीन्स आईसी पर किसकी परत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया, सिलिकॉन सिटी इंडिया में किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट करो, मीन्स बताओ। हिंट के लिए बता दूँ कि उसी को गार्डन सिटी भी कहा जाता है, अब बता दो। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो वो होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? अगर कोई हम वर्ड उस पर लिखते हैं तो उसकी लंबाई हम किस में मापते हैं? बीट में, BIT। बीट और बाइट में कंफ्यूज नहीं करना है, बीट में मापा जाता है, ठीक ना। फिर है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। फिर है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, इकाई मेनली होता है जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे इकाई कहा जाता है, तो वो क्या है? बाइट। फिर है, 1 KB मीन्स 1 KB किसके बराबर होता है? तो वो क्या होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। और यहीं पे अगर होता 1024 KB किसके बराबर होता है? 1024 KB, तो वो होता है 1 MB के बराबर। फिर MB से GB, GB से TB, ऐसा ही बढ़ता जाता है। फिर एक कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं बग। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी क्या करता है? स्टोरेज करता है, स्टोरेज से संबंधित है। डी।
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित कर सकता है क्या कहलाता है? तो ये भी प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखो बहुत अधिक लिखा है, पर हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि चिप नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त दोनों पे टिक लगाएंगे, क्योंकि टेप भी करता है और डिस्क भी डाटा स्टोर करता है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। फिर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना सिद्धांत पे वो काम करता है, आंसर ए, याद रखना गणना सिद्धांत पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और सबसे अच्छा प्रिंटर भी यही होता है, लेजर प्रिंटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, क्यों अलग होता है, क्योंकि उसमें परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति क्षमता होती है, मीन्स काफ़ी क्या होता है, वो कैपेसिटी उसका काफ़ी अधिक होता है, उसमें मीन्स सीपीयू जो हम कंप्यूटर में एक यूज करते हैं उसमें कई सारे सीपीयू श्रेणी क्रम में लगाए होते हैं, तो परिकलन क्षमता क्या होता है उसका, बहुत फास्ट होता है, आंसर क्या होगा, सी होगा। अच्छा, अभी जो सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है देखो वो चेंज होते रहता है, इससे पहले तिहांग था चाइना का, अब बन गया है यूएसए का सुमित, ठीक ना, और साथ ही इंडिया का अगर बात करें तो मिहिर है सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, तो ये चेंज होते रहता है, आप याद रखोगे। फिर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो याद होगा बाइनरी का होता है, तो द्वि आधारी अंक पद्धति, द्वि आधारी अंक पद्धति, वो क्या होता है, जीरो और एक होता है। देखो हिंदी में अगर दिक्कत हो तो अगर आप जहाँ एग्जाम देने की जा रहे हो तो वहाँ पे क्या करो, आप फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आप इंग्लिश करके उसको सॉल्व करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो देखो सारा क्या है, बेसिक हो या कोबल हो या फोर्ट्रन हो पास्कल हो, सब क्या है कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है, फोर्ट्रन, फोर्ट्रन याद रखिएगा। फिर एक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से, विज्ञान, विज्ञान। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा कोबल, कोबल किससे रिलेटेड है, व्यवसायिक बिजनेस के क्षेत्र से। किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो वाणिज्य कार्यों में किसका, कोबल का भी पढ़े। फिर प्रोग्रामिंग है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा भाषा चाहिए, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कोबल, कोबल सॉरी कोबल क्या है, मीन्स व्यावसायिक लैंग्वेज है, कोबल नहीं होगा, फोर्ट्रन, फोर्ट्रन ठीक ना, जो साइंस की भाषा होती है वही होती है प्रोग्रामिंग की भाषा। फिर है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोबल, अंग्रेजी भाषा के समान ही होती है ये, थोड़ी लेकिन उच्च है, ठीक ना, कोबल। नेक्स्ट है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, मीन सबसे अधिक डॉक्यूमेंट जो होता है किसमें होता है, वो होता है कोबल में, कोबल। फोर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है, मीन्स कौन सा उसका, मीन्स वो सीखने के बाद ही हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, बेसिक, बेसिक, बेसिक। फिर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, देखो वैज्ञानिक गणना है तो हम क्या करेंगे, फोर्ट्रन, फोर्ट्रन। फिर बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो उसका प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए, नाम से ही क्लियर है, बेसिक है, बेसिक के बाद ही चाहे हम कोबल हो, फोर्ट्रन हो, पास्कल हो, कोई भी हम लैंग्वेज या सी प्लस प्लस हो सीखते हैं। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है, तो जावा का आविष्कारक कौन है, सन माइक्रोसिस्टम, सन माइक्रोसिस्टम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सन माइक्रोसिस्टम। और सबसे पहला मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंपनी कौन सा है, तो वो है आईबीएम, आईबीएम ये सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में लगा था, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है कौन सा भाषा, तो वह है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ये सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, देखो ग्रिड मतलब होता है जुटना, ठीक ना, तो एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिससे कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, एक सॉफ्टवेयर
अवसंरचना जिससे कई अवकलन प्रतिष्ठान क्या होते हैं जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटर ग्रिड। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो देखो इसमें IBM एप्पल कोई नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अभी कौन है ऑनर, बिल गेट्स। नेक्स्ट है ओरेकल है, ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या करते हैं, एक्सेल मेनली यूज करते हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, एक्सेल। फिर है कंप्यूटर में पासवर्ड किसका सुरक्षा करता है, तो वो सुरक्षा करता है कंप्यूटर में जो भी हमारा सामान है उसको, तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, तंत्र के मीन्स इसका मतलब अगर आप इंग्लिश करोगे तो समझ में आएगा सही से, मीन्स अंदर में जो हम सामान रखे होते हैं आपका जो डाटा होता है उसको वो क्या करता है, सुरक्षित करता है। नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है, मोडेम, मोडेम। फिर है कंप्यूटर की चार अंकों वाली तारीख 4-digit सिस्टम डेट्स संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं Y2K समस्या, मीन्स 4-digit वाली जो तारीख होती है उसे वो नहीं लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, Y2K समस्या। फिर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, सबसे अधिक कंप्यूटर जो है वो कौन से देश में है, तो वो अभी भी है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। स्टूडेंट इसमें चाइना पे टिक करते हैं, चाइना वैसे ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, सबसे अधिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को। फिर है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो देखो इसमें पुराना दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, कोलंबिया है, लेकिन अभी जो है उसका नाम है सुमित, सुमित, ठीक ना। फिर भारत में सिलिकन वैली कहाँ है, तो ये मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, और दुनिया का सिलिकन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को USA में। फिर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम का बात किया जा रहा है, तो कौन सा है, ENIAC, ENIAC, अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का है परम। नेक्स्ट वही प्रश्न आ गया कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रथम कंप्यूटर अगर बात करें तो वो होगा सिद्धार्थ, और अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर करें तो वो हो जाएगा परम, और अभी कौन सा है, मिहिर, याद रखिएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, कैसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली क्या है, एक वो संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो देखो बिल गेट्स को तो सब जानते हैं, लेकिन संस्थापक के टाइम में पॉल एलन भी थे उनके साथ, तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों, उपरोक्त दोनों सही है। फिर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो सह संस्थापक की अगर बात करें तब हम बस मारेंगे पॉल एलन को, पॉल एलन। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, मीन जिसके थ्रू आउट हम क्या करते हैं सूचना को ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं हम इंटरनेट, इंटरनेट। फिर है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हम कहते हैं टॉम लिसन को, रे टॉम लिसन। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ईमेल में ई का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक ना, ये आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रथम कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ बना, जिसमें मीन्स कंप्यूटर की फैसिलिटी उपलब्ध हुई, तो वो बना न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। भारतीय रेलवे मीन्स भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, मीन्स कहाँ पे लगाया गया कंप्यूटरकृत, वो भी न्यू दिल्ली, तो कुछ भी हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या रेलवे स्टेशन हो कहाँ पे, वो न्यू दिल्ली। फिर है WWW का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा एक प्रश्न आया था कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसमें था WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब पूछा जा रहा था आपसे, इसका मतलब होता है वार्म, ठीक ना, तो याद रखना, अब आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य क्या होता है, तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर सीएडी का तात्पर्य क्या होता है, तो क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है सीएडी का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फिर है आईबीएम, आईबीएम एक मैंने बताया सबसे पहली कंपनी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा, तो सीडी का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर रीड ऑनली मेमोरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर निम्नलिखित उत्पादकों में कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो पेंटियम का क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है WWW के आविष्कारक या प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, टिम वर्नर्सली, टिम वर्नर्सली। फिर याहू, गूगल एवं MSN है जो एक प्रकार का क्या है, तो ये है इंटरनेट साइट्स, इंटरनेट साइट्स, या इसको ऐसे भी आएगा सर्च इंजन, अब कैसे भी लिखा रहेगा तो सर्च इंजन में टिक करोगे। फिर एक कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर क्यों प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका क्या होता है फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा कि बेसिक भी है, सी, सी वन, सी प्लस सब कुछ है, फोर्ट्रन भी है, फास्ट क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो देखो प्रकाश भंडारण नहीं होगा क्योंकि साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम सब कुछ है। फिर है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो देखो अभी मैंने बार बार जिक्र किया है, तो विश्व का अगर पूछे तो हम क्या मानेंगे, पहले तिहांग थ्री ए था ये, लेकिन अब क्या है, सुमित है, ठीक ना। तो आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो इसे उसे पहले देख लिया करो, ये किसका है, यूएसए का है। नेक्स्ट है अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो वो कौन किया था, सी डैक, सी डैक। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये भी हम पढ़े हैं, बिट, बिट। फिर है माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का वायरस है। देखो कितना अजीब टाइप का मींस ऑप्शन दिया गया है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो इसको, एक कंप्यूटर वायरस है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, क्या लागू होता है, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा सब में डालना होगा। फिर है एप्पल क्या है, देखो क्या सब है, एक फल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर भाषा है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन वो एक कंप्यूटर है, ठीक ना, एप्पल। नहीं तो अगर आप कंफ्यूज करोगे मीन्स आपके प्रश्न में अगर आएगा, क्योंकि यहाँ तुम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, आपको एग्जाम में ऐसा रहेगा कि कंप्यूटर में रिलेटेड शब्द है ऐसा दिया रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करोगे। और वैसे भी ध्यान रखना एप्पल जो है फ्रूट कम वेजिटेबल अधिक है, कभी क्या करना नेट पे गूगल पे सर्च करो कि इज एप्पल फ्रूट और वेजिटेबल, क्या आता है देखना, वो वेजिटेबल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तन करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वो कौन करता है, वो करता है मोडेम, मोडेम। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो वो कौन सा होगा, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। जब मस्तिष्क की बात हो, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करेगा तो होगा क्वांटम कंप्यूटर। जैसे कि आप एक हॉकिंस साइंटिस्ट जिनका भी देहांत हो गया तो बोल नहीं पाते थे, तो उनको जो कंप्यूटर लगाया गया था उनके लिए क्या था, क्वांटम कंप्यूटर था। वो क्या करता है, दिमाग को रीड करता है, ब्रेन को रीड करता है। नेक्स्ट है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है, तो कौन सा है, अनुपम, अनुपम। फिर एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है 8 द्विधारिक अंकों से, इसीलिए कहा जाता है एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है। नेक्स्ट है एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 2 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी, तो वो कब की गई थी,
2000 में, 2000 ईस्वी में। अब इसको कैसे समझो कि विंडो के द्वारा, विंडोज 3 से भी हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो विंडो 3 जो है कब लॉन्च किया गया था, 2000 ईस्वी में। कंप्यूटर है, मीन्स कंप्यूटर क्या है, क्या सब दिया गया है, कंप्यूटर में भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, ये भी सही है। और कभी कभी वायरस भी हो जाता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या है, चारों सही है। हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, बिल्कुल सही है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की और एक अत्याधुनिक संरचना की, तो ये सभी चारों सही है। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य क्या है, मीन्स असेंबलर जो होता है कंप्यूटर में, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा, मीन्स मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो आपसे पूछा जाएगा कीवर्ड क्या है, तो एक असेंबलर की तरह कार्य करता है, ठीक ना। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में क्या डालते हैं, हम ए डालते हैं, फिर उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को डालता है। तो कीबोर्ड किस टाइप का यंत्र हुआ, ये हुआ असेंबलर की तरह कार्य करता है। फिर है स्पैम, किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम क्या होता है, कंप्यूटर से। स्पैम अगर आप जीमेल यूज करते हो मेल, तो उसमें एक होता है स्पैम, ठीक ना, तो वहाँ पर ये यूज होता है। स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड मैसेज, मीन्स जो आप नहीं चाहते हो फिर भी जो मैसेज आ रहा है आपके पास, तो वो होता है स्पैम मैसेज या स्पैम मेल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक यहाँ पे लॉजिकल यूनिट यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सूची प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है, तो इसमें से क्या है, पिन का, पिन का क्या है, एक लड़ाकू मिसाइल है पिन का, ठीक ना, जैसे अग्नि आकाश ये सब है, इसी तरह से पिन का एक लड़ाकू मिसाइल है। ये सब लॉगिन मोडेम पासवर्ड ये सब क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। फिर IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो ये लगाया गया तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC लगाया गया। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब जो था वो किस पीढ़ी में हटा दिया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर अवयव था, मीन्स इसमें क्या था, बृहद एकीकृत परिपथ था। तो देखो 90 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, अब आगे कुछ और 90 प्रश्न है अप्रोक्स, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कवर कर लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा एजुकेशन रिलेटेड। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।